हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं एडजॉप्शन, जिसके बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में बहुत कुछ बता दिया था, इंट्रोडक्शन करा दिया था आपका। ठीक है, तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो लिखा हुआ है उसके बारे में, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है बच्चों, तो देखो एडजॉप्शन में बेसिकली आपने अभी तक क्या सीखा? कल हमने देखा था कि एडजॉर्प्शन क्या होता है। ठीक है, आज उसी को अपन प्रॉपर वे में डिफाइन कर रहे हैं। हमने बताया था कि कोई भी सब्सटेंस अगर किसी सरफेस पे आके इकट्ठा होता है, किसी भी सरफेस के ऊपर, ठीक है, तो उसे अपन क्या कहते हैं? एडजॉर्प्शन कहते हैं। अगर वो सरफेस पे नहीं आता है और पूरे पदार्थ के अंदर, पूरे सब्सटेंस के अंदर, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर समान रूप से वितरित हो जाता है, जैसे अपन देखें कि रुई जो है पानी को समान रूप से सोखती है हर जगह पर। ऐसा नहीं कि कोई एक हिस्से में रुई में पानी ज्यादा है, दूसरे हिस्से में कम है ना, तो उस चीज को अपन बोलते हैं अवशोषण, यानी कि एब्जॉर्प्शन। तो एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन दोनों टर्म के बारे में इंट्रोड्यूस किया था आप लोगों को। टुडे आज अपन डिस्कस करने वाले हैं डेफिनेशन। ठीक है, तो इससे पहले डेफिनेशन को अपन पढ़ें, एक थोड़ा सा आइडिया आपको। देखो एक चीज बताओ मुझे, मैं आपको बता रहा हूं कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीन चीजें मैंने आपके सामने लिख दी है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। मुझे ये बताओ किस किस की सरफेस होती है, प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली किस किस की सतह होती है, पृष्ठ होता है। तो देखो सॉलिड का होता है, दिख रहा है ये सरफेस है इसका, ठीक है। लिक्विड का भी होता है, पानी का सरफेस आपने देखा होगा, पानी जब बह रहा हो तो उसके ऊपर एक पत्ता डाल दो, पानी के साथ साथ बहता हो जाएगा। वो कहां पे रुका हुआ है? पानी की सतह पर रुका हुआ है, सरफेस पर रुका हुआ है। गैस की सरफेस हम फील नहीं कर सकते फिजिकली और टच भी नहीं कर सकते, तो गैस की कोई सरफेस नहीं होती। तो ध्यान रखना सॉलिड और लिक्विड में ही सरफेस पाई जाती है। अब बात अपन करते हैं कि डेफिनेशन क्या है एडजॉर्प्शन की। तो देखो बेटा, व्हेन गैस और लिक्विड मॉलिक्यूल्स एक्यूमुलेटेड का मतलब क्या होता है? इकट्ठा होना, कलेक्टेड होना, कॉन्सेंट्रेट होना एक जगह पर, ठीक है। व्हेन गैस, ठीक है, गैस की बात कर रहे हैं और लिक्विड की बात कर रहे हैं। गैस और लिक्विड मॉलिक्यूल्स एक्यूमुलेटेड ऑन द सरफेस ऑफ एनी सॉलिड और लिक्विड, ऑन द सरफेस ऑफ एनी सॉलिड, सॉलिड का जिक्र किया, लिक्विड, लिक्विड की बात की, गैस की बात या नहीं की, ठीक है। देन दिस फिनोमिनो कॉल्ड एडजॉर्प्शन। इट मीन्स एडजॉर्प्शन क्या हुआ कि भाई कोई भी जो सरफेस है उसके ऊपर, अब जाहिर सी बात है सरफेस किसकी होगी, या तो सॉलिड की होगी चाहे लिक्विड की होगी, ठीक है, गैस की होगी नहीं, ठीक है। कोई भी जो सरफेस है उसके ऊपर गैस के मॉलिक्यूल आके इकट्ठे हो जाए या फिर लिक्विड के मॉलिक्यूल आके इकट्ठे हो जाए, तो उसे अपन क्या कहेंगे? एडजॉर्प्शन बोलेंगे, ठीक है। यहां पर हमने जब बात की कि गैस के मॉलिक्यूल आ जाएंगे, लिक्विड के मॉलिक्यूल आ जाएंगे, तो हमने सॉलिड को क्यों छोड़ा? देखो सॉलिड पार्टिकल्स जब बहुत बहुत छोटे होते हैं ना, तभी जब वो गैसेस फॉर्म के इक्वल साइज के लगभग होते हैं, तब जाकर के वो इधर उधर उड़ करके जाते हैं, ठीक है। बाकी तो वो ग्रेविटी की वजह से बड़ा मॉलिक्यूल बना करके वापस सेटल डाउन हो जाते हैं, तो उनका प्रॉपर एडजॉर्प्शन नहीं हो पाता, तो हम उसको यहां पर इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो जैसे एग्जाम्पल है हमारे सामने, ये कोई सरफेस है ना, जो आपको मैंने इस तरह से बता रखी है क्रॉस करके। इस सरफेस के ऊपर क्या है, ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर में आपको इस तरह से बता रखा कि भाई ये कोई सब्सटेंस आकर के इकट्ठा हो गया है। ये जो सब्सटेंस आया है ये क्या क्या हो सकता है, ठीक है, लिक्विड और गैस के मॉलिक्यूल हो सकते हैं ये। जब कोई लिक्विड या गैस के मॉलिक्यूल किसी सॉलिड या लिक्विड की सरफेस पे आकर के कलेक्ट होंगे, तो अपन इस फिनोमिना को क्या बोलेंगे, बताइए क्या बोलेंगे अपन इसको? एडजॉर्प्शन, ठीक है। और ये जो एडजॉर्प्शन है इसमें दो चीजें हो गई, यहां पे मैंने लिख रखा है एडजोर्बेट और यहां पे लिखा हुआ है एडजोर्बेंट, ठीक है। तो जो एडजोर्बेट है वो क्या होता है कि देखो जो पार्टिकल्स आकर के इकट्ठे होते हैं, जैसे आपने देखा होगा सॉल्यूशन चैप्टर में एक चीज होती थी सॉल्यूट, दूसरा होता था सॉल्वेंट, ये मिलकर क्या बनाते थे? सॉल्यूशन। ऐसे कोलॉइड में आपने देखा था डीपी प्लस डीएम, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? कोलॉइडल सॉल्यूशन। ऐसे आज हमारे पास एक नए टर्म है, समझिए उसको क्या है, एडजॉर्बेट।
प्लस एडसोर्बेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते थे ना ठीक वैसे ही, और इन दोनों को मिलाया जाए तो क्या बनेगा, एडसॉर्प्शन। अब देखो बच्चों, एडसोर्बेंट क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको अधिशोष्य, क्या बोलते हैं, अधिशोष्य। तो जो एडसोर्बेंट है आपका वो क्या है कि जो पदार्थ, जो सब्सटेंसेस आकर के कलेक्ट होते हैं किसी भी सरफेस पे, उनको क्या बोलते हैं, एडसोर्बेंट बोलते हैं, ध्यान रह जाएगा। अब एडसोर्बेंट याद हो गया तो एडसोर्बेंट क्या होगा, तो देखो जो आकर के इकट्ठा होता है वो तो एडसोर्बेंट है, और जिसकी सरफेस पे इकट्ठे होते हैं उसे क्या बोलते हैं, एडसोर्बेंट। मतलब कोई सॉलिड है उसकी सरफेस है वो एडसोर्बेंट हो सकता है, कोई लिक्विड है उसकी सरफेस है वो एडसोर्बेंट हो सकता है, क्योंकि एडसोर्बेंट का मतलब क्या होता है कि किसी की सतह पर आकर के जो इकट्ठा होगा, तो जिसकी सतह पर आकर जो इकट्ठा हो रहा उस सतह को क्या बोलेंगे, सरफेस को क्या बोलेंगे, एडसोर्बेंट। यानी एडसोर्बेंट बनने के लिए आपके पास सरफेस होना चाहिए। तो सॉलिड एडसोर्बेंट हो सकता है, लिक्विड एडसोर्बेंट हो सकता है, मगर गैस कभी भी एडसोर्बेंट नहीं होगी, ध्यान रखना। मोस्टली जितने भी एग्जाम्पल्स होंगे उन सब में गैस एडसोर्बेंट नहीं होगी, ठीक है भाई। अब अपन बात करते हैं कि एडसोर्बेंट और एडसोर्बेंट को कैसे पहचाने, कुछ एक एग्जाम्पल ले लेते हैं सर। तो जस्ट अभी अपन एग्जाम्पल लेंगे, पहले इनके डेफिनेशन देख लेते हैं। चलो देखते हैं एडसोर्बेंट क्या है, सॉलिड और लिक्विड, ठीक है, एट विच सरफेस, सॉलिड और लिक्विड एट विच सरफेस मॉलिक्यूल्स आर एक्युमुलेटेड। सॉलिड और लिक्विड की कोई भी सरफेस है ना, कोई भी द्रव या ठोस जो है सॉलिड या लिक्विड है, ठीक है, जिसकी सतह पर सॉलिड और लिक्विड सरफेस, ये ऐसा हुआ सॉलिड और लिक्विड सरफेस, एट विच मॉलिक्यूल्स आर एक्यूमुलेटेड, जहां पर मॉलिक्यूल्स आकर के इकट्ठे होते हैं, कॉन्सेंट्रेट होते हैं, एक्यूमुलेट होते हैं, जमा होते हैं, उसे अपन बोलते हैं एडसोर्बेंट। जैसे जो मोस्ट एडसोर्बेंट है अपन को पढ़ने को मिलेंगे, हम एग्जाम्पल में काम में लेंगे, वो क्या है, सिलिका जेल है, एलुमिना जेल है, क्ले यानी मिट्टी, चारकोल कोयले से बना हुआ पाउडर होता है, फिनली डिवाइडेड यानी बारीक रूप से डिवाइड किया हुआ निकिल, प्लेटिनम, पैलेडियम आदि, ठीक है, एटसेट्रा, इनको यूज किया जाता है एज एडसोर्बेंट, क्योंकि ये एक अच्छे एडसोर्बेंट होते हैं। अब बात की जाए एडसोर्बेंट क्या है, तो अभी समझाया था, कोई भी लिक्विड और गैसेस मॉलिक्यूल विच आर एक्यूमुलेटेड, जो आकर के इकट्ठे होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द सॉलिड और लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड सरफेस पे आके इकट्ठे होते हैं उन्हें अपन बोलते हैं एडसोर्बेंट। तो बहुत साधारण है, एडसोर्बेंट मतलब जो आकर के इकट्ठा होगा, एडसोर्बेंट मतलब जिसकी सरफेस पे आके इकट्ठे होंगे, ठीक है भाई। चलो सबसे पहला एग्जाम्पल है आपके सामने लिखा हुआ, ये जो बोर्ड में मैंने सब कुछ लिख रखा है, तो ये इंक है, ये ब्लैक कलर से जो मैंने लिख रखा है, ये इंक जो है इस बोर्ड की सरफेस पे इकट्ठे हो जाते हैं इंक के पार्टिकल, इंक के मॉलिक्यूल। अब मुझे ये बताओ कि यहां पर एडसोर्बेंट कौन है, एडसोर्बेंट कौन है, तो ये जो व्हाइट बोर्ड है ना बेटा, जिसकी सरफेस पे मैं लिख रहा हूं, जिसकी सरफेस पे ये इंक के पार्टिकल इकट्ठे हो रहे हैं, ये तो हो जाएगा मेरा एडसोर्बेंट, और जो इंक है ना वो क्या हो जाएगी, एडसोर्बेंट, ठीक है। पर ये तो अपन ने एक जनरल बात की थी। एग्जाम्पल नंबर वन मैं यहां लिख रहा हूं, आप बताना मुझे, सिलिका जेल एडसोर्ब्ड वाटर, यानी कि H2O, सिलिका जेल जल को अधिशोषित करता है, सेंटेंस ये, सिलिका जेल जल को अधिशोषित करता है। अब मुझे बताओ एडसोर्ब करता है, यहां पर एडसोर्बेंट कौन है और एडसोर्बेंट कौन है, तो देखो सिलिका जेल एडसोर्ब कर रहा है किसको, H2O को, तो H2O तो क्या हो जाएगा आपका एडसोर्बेंट, और ये क्या हो जाएगा आपका एडसोर्बेंट, समझ में आता है।
सिलिका जेल ने अपनी सरफेस पे एड्सॉर्ब किया है किसको, H2O को। जब अपनी सरफेस पे एड्सॉर्ब किया है भाई, तो सीधी सी बात है जिसका एड्सॉर्प्शन हुआ है वो क्या होगा, एड्सॉर्बेट यानी अधिशोष्य, ये अधिशोषक। दूसरा एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, एक कंटेनर है, पहले एग्जांपल समझिए, बहुत अच्छा एग्जांपल है। ये कंटेनर बंद है बेटा और इसके अंदर बहुत सारी गैसें हैं, कौन कौन से गैसें हैं देखो, इसके अंदर गैसें हैं CH4, ठीक है, अमोनिया, क्लोरीन, SO2। इस पात्र के अंदर, कंटेनर के अंदर चार गैसें भरी हुई है, कितनी गैसें भरी हुई है, चार, ठीक है। मैंने इस पात्र का प्रेशर P नोट कर लिया, जो कि मेरा कुछ भी है यहां पर P1, मान लेते हैं P1 प्रेशर हो गया। अब मैंने क्या किया, इसमें थोड़ा सा चारकोल ऐड कर दिया, चारकोल क्या होता है फिर सुन लेना, कोयले को जब आप पीस लेते हो तो वो चारकोल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, यू समझ लीजिए ऐसा ही होता है, चारकोल भी पाउडर्ड फॉर्म में कोयला होता है, जैसे लकड़ी का बुरादा होता है वैसे कोयले का बुरादा। अब हमने क्या किया, कोयले को तरीके से इसमें थोड़ा सा चारकोल मिला दिया, अब चारकोल इसकी सतह पर आ चुका है, अंदर मतलब बॉटम में रखा हुआ है क्योंकि वो तो सॉलिड है। अब हमने आफ्टर 2 आवर्स, जरूरी नहीं है 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, थोड़ा मतलब समय बाद फिर से प्रेशर नोट किया इस पात्र का, वो है P2। तो रिजल्ट क्या मिला बेटा, परिणाम ये मिला कि जो P2 है वो कम है और P1 ज्यादा था। मान लो ये 10 ATM था तो ये 8 ATM रह गया। अब ऐसा क्या हुआ, तो देखो हुआ क्या, ये जो चारकोल यहां पड़ा हुआ है इसने गैसेस मॉलिक्यूल को अपनी सरफेस पे पकड़ पकड़ के इकट्ठा कर लिया, मतलब सारे गैसेस मॉलिक्यूल चारकोल की सरफेस पे इकट्ठे हो गए। जब गैसेस मॉलिक्यूल चारकोल की सरफेस पे इकट्ठे हो जाएंगे तो इस पात्र के अंदर गति करने वाले गैसेस मॉलिक्यूल की संख्या कम हो जाएगी, और जब गति करने वाले गैसेस मॉलिक्यूल की संख्या कम हो जाएगी तो दाब भी कम हो जाएगा। तो यहां पर चारकोल क्या हुआ बोलो, एड्सॉर्बेंट हुआ, बोलो यार हाँ या ना, एड्सॉर्बेंट चारकोल हुआ, क्योंकि चारकोल के एक सरफेस प्रोवाइड की, सॉलिड है ये, किसके लिए प्रोवाइड की, गैसेस मॉलिक्यूल के लिए, कि आओ बैठ जाओ, आओ बैठ जाओ। जैसे एक क्लासरूम है, क्लासरूम के अंदर बच्चे आए बहुत सारे, आके चुपचाप बैठ गए, पढ़ाई की, वापस चले गए, क्लासरूम की जो सरफेस है वो क्या हो गई, एड्सॉर्बेंट। बच्चे क्या हो गए, जब अलग अलग थे आए एक जगह इकट्ठे हुए तो ये क्या हुआ, एड्सॉर्बेट। तो ये गैसेस मॉलिक्यूल ये सब क्या हुआ, ये हुआ आपका एड्सॉर्बेट। बोलो समझ में आया क्या, कुछ और एग्जांपल किए जाएं बोलो, चलो कुछ और एग्जांपल करवाते हैं आपको, बहुत बढ़िया वाला एग्जांपल करवाते हैं, ठीक है। एक होता है मिथाइलिन ब्लू डाइज, मिथाइलिन ब्लू रंजक जो डाई करने के काम आते हैं उनको डाइज बोलते हैं अपन, रंजक। जब इसको चारकोल के साथ मिक्स किया जाता है तो ये क्या होता है, कलरलेस हो जाता है, ठीक है। सॉल्यूशन, इसका जो सॉल्यूशन है ना मिथाइलिन ब्लू का, वो पास किया जाता है, सॉल्यूशन पास्ड थ्रू चारकोल।
तो इसमें चारकोल है, ठीक है, जिससे इसको पास किया जा रहा है. नाउ इट बिकम्स कलरलेस. मेथाइलिन ब्लू, जिसका ब्लू कलर था, वो सॉल्यूशन कैसा हो जाता है चारकोल मिलाने पर, चारकोल से गुजारने पर कैसा हो जाता है? कलरलेस. इसका मतलब चारकोल क्या हुआ, कलर पार्टिकल को अपने सरफेस पर रोक लिया, एडसॉर्बेंट. और कलर पार्टिकल, जो ब्लू कलर पार्टिकल है, वो क्या हुए, एडसॉर्बेंट हुए यार. ठीक है, क्लियर. इस तरीके से हमारे पास जो एग्जाम्पल थे कुछ सिलेक्टेड वो कर लिए हमने. एग्जाम्पल बहुत है, आप बनाओ, देखो डेली लाइफ में कौन किसके सरफेस पे आके इकट्ठा हो रहा है, वो सब कुछ क्या है, एडसॉर्बेंट. जो इकट्ठे हो रहे हैं वो क्या है, एडसॉर्बेंट. ठीक है बच्चों, अगले वीडियो में अपन कंटिन्यू करेंगे. ठीक, थैंक यू सो मच.